ये भी भाई जगह है खुंसा की करीबी वादी में, आशू लेक के नाम से है, आशू के नाम से। और ये पूरा व्यू पॉइंट है यहाँ का। ये होटल्स बने हुए यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, और आप ज़रूर यहाँ कभी विज़िट करें। जब भी आप आएंगे इस 7,000 to 8,000 रुपीस आपके चार्ज होंगे, जो ये आपको सारी जगह घुमा देंगे। अगर आप किसी कोई बड़ी गाड़ी कराते हैं, कैसे आप वीगो या TZ लैंड क्रूजर कराते हैं, तो आपको तकरीबन 14,000 to 15,000 रुपये ईजिली ये चार्ज करेंगे। और आप सर्दियों में आएंगे तो सर्दियों में आपको रेंट और यहाँ का जो रेंट है वो 2,500 to 3,500 तक हो सकता है, और गर्मियों में तो 15,000, 14,000, 900, 9,000 से स्टार्ट होता है। उससे आगे फिर आप कितने भी परचेज़ कर सकें उसमें, आपको कमरे में यहाँ पर अवेलेबल हैं नॉर्मली। बाकी ये चीज़ है या इस ये हम तो इस गाड़ी में आए थे, तो ऐसे इसके थोड़े रेट हाई है। और अगर कोई आप नॉर्मल गाड़ी में आते हैं जैसे हैरोफ में, तो उसके रेट थोड़े आपको कम होंगे। बाकी यॉर्क की लाती है यहाँ की, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत इसका गोश बहुत अच्छा है यॉर्क का। आप ये देख लें इसके भी, अब इसमें वो भी होगा। तो हम यहाँ थे कि यॉर्क का गोश्त भी अच्छा होता है, हमने यहाँ पर खा के चेक किया। जब भी आप आएँ यहाँ पर यॉर्क का गोश्त भी खाएं, यहाँ की फेमस डिश है यॉर्क का गोश्त। और ये यहाँ पर करीमाबाद पे हुंजा में, हुंजा वैली में करीमाबाद पे कोशिश करें कि वहाँ पर होटल में नहीं रहें, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है खाने के मामले में भी और रिहाइश के मामले में भी। आलियाबाद फिर अच्छा है हुंजा वैली के, उसके रेट फिर भी कम है बनिस्बत इसके जो वहाँ के रेट हैं। बाकी यहाँ पर हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। आपको अभी दूसरा रिव्यू इंशाल्लाह इसके साथ ही देता हूँ। ये टोपी आप बता देंगे कितने की है? ये आपको मिलेगा 1200 रुपये की। ये 1200 की, वो वाली ये वाली खाली टोपी 1000 रुपीज की है, माता पट्टी के साथ 1500 में आपको मिलेगा। ओके, ये हैंडमेड। आपकी शॉप का नाम क्या है? आपका नाम अकबर? नाम अकबर। अकबर भाई से जब भी आप आए यहाँ पर अकबर भाई से परचेस करें। देखें हुसैनी ब्रिज की तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं, ये हमने टिकट परचेस किया, और एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है हुसैनी ब्रिज की तरफ जाते हुए। अभी यंग्स के लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, अब आराम से वो इजीली चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। ये यहाँ से ये यहाँ की कबायली लोगों के जो घर बार हैं वो हैं, और आप ये देख सकते हैं ये पेड़ की कटाई हो रही है यहाँ पर, और ये पूरा ये लेक है और ये पूरी जम गई है, काफ़ी जमी भी जे बहुत काफ़ी जम गई है ये लेक। तो इसके अलावा यहाँ पर अभी तो सर्दियों में काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन इंशाल्लाह गर्मियों में यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि काफ़ी विजिट्स होते हैं। ये हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज का रास्ता है, ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है सस्पेंशन ब्रिज का, और ये सस्पेंशन ब्रिज सामने है बिल्कुल। इसके ऊपर से काफ़ी स्टेप्स गैप हैं और काफ़ी गैप से जाना पड़ेगा, और ये सस्पेंशन ब्रिज ये वहाँ तक जाता है सामने बिल्कुल। और ये देखें ये सस्पेंशन ब्रिज की तरफ जाने के लिए रूट बनाया हुआ है, और ये काफ़ी जम चुकी है सस्पेंशन ब्रिज, काफ़ी जम चुका है और काफ़ी अच्छी जगह है। ये देखिए इसके ऊपर पेड़ वेड़ भी पड़े हुए, ठीक है। और ये जलाने के लिए यहाँ के कबायली लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए अपने घर के लिए, ये पेड़ बनाए पेड़ से। ये देखें यहाँ का आज पानी का भाव बनिस्बत पहले से अभी तो कम है, क्योंकि सर्दियों की वजह से ग्लेशियर पिघल नहीं रहे, तो पानी का बहाव भी कम है। सस्पेंशन ब्रिज है ये,
और सस्पेंशन ब्रिज पे देखें बहुत, और उसमें काफ़ी यह बोलता है इसमें सेफ्टी कुछ नहीं होती, सेफ्टी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप सेफ्टी के बारे में सोचना चाहें तो सेफ्टी कुछ भी नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत भी सेफ्टी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। ये देखें, ये देखें सस्पेंशन ब्रिज जो जो बोला जाता है इसको, और ये इसकी वो यार, ये देखें हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, योर सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट, प्लीज कोऑपरेट विद द पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये देखें आप, ये तो ये देखें सस्पेंशन ब्रिज है, और ये देखें, ये देखें यहाँ पर लोग, कबायली लोग यहाँ पर चहल कदमी कर रहे हैं, और ये देखें यहाँ पर पानी पूरा जम चुका है, तो काफ़ी गहरा है यहाँ से, तो यहाँ से तो काफ़ी गहरा है, बट ठंडा बहुत हो गया पानी क्योंकि बर्फ़ ग्लेशियर का पानी है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर, आप लोग ज़रूर विजिट करें यहाँ पर। ये सस्पेंशन ब्रिज है, बिल्कुल करीब से आपको मैं सस्पेंशन ब्रिज दिखा रहा हूँ, सामने कबायली लोगों के गाँव हैं और गाँव के लिए रास्ते जाते हैं, और काफ़ी अच्छी व्यू पॉइंट है, तस्वीरों के लिए भी और घूमने फिरने के लिए भी, फैमिली के लिए आज से काफ़ी अच्छी जगह है।